हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय बासर, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ट्रेनर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। तो आज के हमारे वीडियो के टॉपिक में है मैं सबसे मोस्ट 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 ट्रेंडिंग टॉपिक, रेकी हीलिंग के द्वारा आप अपने मोटापे को कैसे कम कर सकते हो और अपने बॉडी को पूरी तरीके से शेप में ला सकते हो विदाउट एनी अदर थिंग्स। यानी कि बहुत सारे लोग कितनी सारी मेहनत करते हैं कि वेट लॉस करने के लिए, अपने बॉडी को शेप करने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ों का डाइट्स करते हैं, या न जाने कितने सारे अलग प्रकार की चीज़ें करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट आप आसानी से रेकी की पावर के द्वारा जल्दी से फटाक से अपने फैट को बर्न करना चाहते हो और रेकी की पावर के द्वारा अपने चक्रस पर सही तरीके से उस टेक्निक को अपना के अपने मोटापे को कम करना चाहते हो तो ये टेक्निक जरूर कर दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप रेकी हीलर हो, आपने रेकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल सीख चुके हैं या फिर आप रेकी ट्रेनर भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये टेक्निक जरूर डेफिनेटली आप अपने स्टूडेंट के द्वारा करा सकते हो या फिर आप खुद उनको सिखा सकते हो या फिर आप खुद भी सीख सकते हो। और जो लोग रेकी सीखे हुए नहीं है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है कि रेकी पावर जरूर आपको लेनी चाहिए और जल्दी से इसमें से क्लियर हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि रेकी हीलिंग को कैसे यूज करते हो और किस तरीके से अपने बॉडी को वापस मेरी तरह प्रॉपर तरीके से शार्प माइंड में कन्वर्ट कर सकते हो, शार्प तरीके से अपने बॉडी और माइंड को अच्छे से एक लेवल पर बैलेंसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। कितने सारे लेडीज और कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं कि सर इसमें वेट लॉस और अपने आप को एकदम फिट और एनर्जेटिक और एट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। देखो, एट्रैक्टिव लगना कोई बुरी बात नहीं है, एट्रैक्टिव लगना ही चाहिए। और हम अपने आप को एक फिट लेवल पर अब जब हम आईने में देखते हैं कि वाह मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, कितना फिट लग रहा हूँ, कितने परफेक्ट लग रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आप अपने काम में बहुत शार्प तरीके से बहुत अच्छे से आगे बढ़ना पसंद करते हो, आप हर कोई काम कितने कॉन्फिडेंस के साथ करते हो, आपको कोई भी चीज़ करने में कभी भी कोई रुकावट नहीं लगती, आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से करते हो। जैसे आप कहीं भी कोई घूमने जाते हो या कहीं भी कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी एक्टिविटीज करते हो, तो आपके मोटापे की जरा वो चीज़ आप कर नहीं पाते। आपको कई बार पब्लिक प्लेस में कोई ना कोई चीज़ों में कोई ना कोई एक्टिविटीज करने के लिए शर्म महसूस होती है, आपको अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ऐसी है कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। तो आज हमारे इंडिया का खान पान ऐसा है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके द्वारा सबसे पहला हमारा जो डिस्टर्ब होता है वो हमारा पेट है। हमारा पेट ही ये जड़ है जिसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी को अनहेल्दी करना शुरू करता है और धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ते ही जा रहा है और धीरे धीरे हमारा जो पूरा बॉडी का जो शेप है वो धीरे धीरे अनशेप में कन्वर्ट होता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर हम ये चीज़ में कहाँ कैसे कन्वर्ट हो गए। हम सोच रहे हैं कि बाद में एक्सरसाइज करेंगे, बाद में ये डाइट कर लेंगे, वो कर लेंगे, देखते हैं, आलस ही आलस में ये सारी चीज़ें रह जाती है। तो रेकी हीलिंग द्वारा ये 3 स्टेप्स आराम से कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप रेकी हीलिंग को आह्वान कीजिए, रेकी पावर का आह्वान कीजिए कि हे रेकी दिव्य ऊर्जा, हे रेकी पावर, हे यूनिवर्सल रेकी, आप मेरे साथ कनेक्ट होते जाइए, आप मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप सच्चे दिल से मेरे साथ कनेक्ट होइए, मेरे आपको मुझे आपको बहुत ज़रूरत है और मेरे हर सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही लाने वाले हो, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं अपने ईश्वर का आभारी मानता हूँ, मैं हमारे पेरेंट्स का आभारी मानता हूँ, मैं मेरे गुरुजनों मेरे टीचर्स का आभारी मानता हूँ, मैं रेकी गुरु डॉक्टर मिकाऊ सुई जी का आभार मानता हूँ और रेकी हीलिंग का आराम से रखिए, अच्छे से शार्प माइंड से प्रॉपर तरीके से रेकी हीलिंग का आह्वान कीजिए, रेकी हीलिंग की पावर को महसूस कीजिए। जब आपको थोड़ी देर में पावर महसूस हो जाए आप अच्छे से माहौल में बैठिए, आप स्पिरिचुअल माहौल बनाते जाइए। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, हमारे जो 7 चक्रस आए हुए हैं उसमें से सबसे मेन हमारा जो मणिपुर चक्र है और हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, ये दोनों चक्र को साथ में लेना है। ये दोनों चक्रस को साथ में ऐसे टच करके आपको हीलिंग करनी है और आपको बोलना है कि मेरे अंदर रेकी ऊर्जा प्रवाहित होती जा रही है और मेरे अंदर जितने भी बर्न फैट है, जितना भी फैट जमा हो चुका है जो मेरे अंदर बॉडी को अनबैलेंस करते जा रहा है, वो सारी चीज़ें वापस बैलेंस में आती जा रही है, मेरे सारा जो वेट है वो धीरे 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 कम होते जा रहा है और वो वेट लॉस होते जा रहा है और धीरे 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 करके मेरे अंदर जितना भी नेगेटिव बगाड़ है, जो भी मेरी बॉडी को डिस्टर्ब कर चुका है, वो धीरे धीरे वापस नॉर्मल अवस्था में आ रहा है। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटियाँ दूर हो रही है, सारा बगाड़ सारा कचरा धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। आप ये सारी चीज़ें मणिपुर चक्र में बोलिए।
और अपने सारे छंद चक्र में बोलिए। उसके बाद ये चीज आपको कम से कम 8 मिनट करनी है, 7 से 8 मिनट। ओके, ये कम से कम 7 से 8 मिनट, अगर आप 10 मिनट कर सके तो वेल एंड गुड है। उसके बाद आप अपने आध्यात्म चक्र को ले लीजिए, ऐसे अपने आध्यात्म चक्र को लीजिए। आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, अपने रेकी के जो हमारे 3 सिंबल है, हंसा जयशोनन, सेहेकी और चोकुरी, ये तीनों सिंबल का तो ऐड आपको करना ही है। या चाहे आप यहाँ पर भी ले रहे हो तो आपको यहाँ पर भी लेना है, और यहाँ पर आध्यात्म चक्र में आप आराम से 8 से 10 मिनट हीलिंग कीजिए। उसके बाद आप लास्ट में दोनों हाथों से अपने मूलाधार चक्र पर हाथ रख के अच्छे से तीनों सिंबल के साथ रेकी हीलिंग ऊर्जा कंटिन्यूसली लाइए। और तीनों जगह पर आपको यही बोलना है, क्योंकि सबसे पहले मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र में से क्या होगा, आपका फैट जो है वो बर्न होता जाएगा। उसके बाद आपका जो मूलाधार चक्र है वहां उसकी नींव होती है, वहां से वो चीजें शुरू होती है नेगेटिव होने की। तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो मणिपुर चक्र में होती है, यानी कि हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वहां से होती है। एग्जैक्टली वो नींव हमारे मणिपुर चक्र में तो होती है, पर ज्यादातर मात्रा में मैंने केसेस में देखा हुआ है कि मूलाधार चक्र में ज्यादातर ब्लॉकेजेस पाए जाते हैं हमारे फैट को लेके, हमारे मोटापे को लेके, राइट। तो ये तीनों चक्र वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मणिपुर चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र और हमारा रूट चक्र यानी कि जो मूलाधार है, वो दोनों चक्र सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे हमारे वेट को बढ़ाने के लिए, हमारी बॉडी को ज्यादातर अनहेल्दी बनाने के लिए। और हम धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हैं, अनहेल्दी होते जाते हैं। तो अपने मूलाधार चक्र पर कंटिन्यूसली बोलते जाइए, और अपने आध्यात्म चक्र, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल माइंड हमारा ये सेट हो चुका है कि हम मोटे हैं और हम मोटे ही रहेंगे। और बहुत सारी चीजों को लेकर हमें अविश्वास आ जाता है कि मैं कभी हेल्दी बन ही नहीं सकता, या फिर ना कभी मैं पहले जैसा हो सकता हूँ जैसा मैं पहले था, क्योंकि हमारे माइंड में साइकोलॉजिकली माइंड इतना अनस्टक हो जाता है। और वही स्टकनेस की वजह से हम ज्यादा डिस्टर्बेंस और साइकोलॉजिकली माइंडसेट वो पैटर्न सेट कर देते हैं। तो वो पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने माइंड को वो एनर्जी रेकी की पावर देना जरूरी है। और मेंटली जो लोग जल्दी से एक्टिव हो जाते हैं, तो ये चीज तो कुछ भी नहीं है, लोग अपने माइंड पावर के द्वारा कितनी सारी चीजें कर सकती है। रेकी भी एक माइंड पावर की तरह ही वर्क करती है। अगर आपने रेकी नहीं भी किया तो भी आप इस ऊर्जा को लेके कंटिन्यूसली ये प्रोसीड कर सकते हो। डेफिनेटली आपको सिंपली करना ही है। और अगर आपको रेकी का चोकोरी सिंबल आता है तो चोकोरी 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 अपने हाथ में ड्रॉ करके उसको यहाँ पर मणिपुर चक्र में एनर्जाइज कीजिए। चोकोरी फिर से अपने हाथ में ड्रॉ कीजिए, स्वाधिष्ठान चक्र में डालिए। स्वाधिष्ठान चक्र पर हाथ रख के आपको बोलना है कि मेरा वेट लॉस होते जा रहा है। आपको जितना वेट लॉस करना है वो सब कुछ बोलिए अपने अंदर कम से कम 10 मिनट तक। और आप जो भी शेप में अपने बॉडी को लाना चाहते हैं वो शेप में देखिए, विजुलाइज कीजिए कंटिन्यूसली। अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलते जाइए, मेरा वेट लॉस हो चुका है, मैं बिल्कुल ये शेप में आ चुका हूँ, ऐसे ही बोलिए। ओके, और अपने आप को बोलिए कि अब मुझे कोई चीज रोक नहीं सकता, मैं अनहेल्दी खाना मैंने छोड़ दिया है, मैं अब ऑलवेज पॉजिटिव फूड लेता हूँ जो मुझे एग्जैक्टली डाइट को फॉलो करना है। या फिर नॉर्मली हम जो जंक फूड खाते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। आपका मन जो करता है बार बार ये सारी चीजों को करने के लिए, ऑटोमेटिकली आप उसमें से निकल जाएंगे। और हमारा रोजिंदा जीवन का जो खाना है, जैसे हम नॉर्मली रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, उसमें भी लिमिटेड मात्रा में लेंगे। और जो चीज नहीं लेनी चाहिए, ज्यादातर हम ऑयली फूड लेते हैं, तो ऑयल आपको थोड़े टाइम के लिए आप बंद कर सकते हो। तो जल्दी से आप 21 दिन के अंदर या 1 महीने से लेके 1.5 से 2 महीने के अंदर आप काफी हद तक अपने बॉडी में शेप चेंज होते हुए देखेंगे। कितना टाइम लगा आपने रोज, जस्ट ओनली 20 to 25 मिनट्स टाइम दिया। अगर आप जल्दी से रेकी हीलिंग कम टाइम के अंदर करना चाहते हो, आप 3-3 मिनट भी हीलिंग कर सकते हो। आप यहाँ पर 3 मिनट दे दिए, यहाँ पर 3 मिनट दे दिए, यहाँ पर मूलाधार चक्र में 3 मिनट दे दिए, 3-3-3 करके, और यहाँ पर भी 3 मिनट दे लिए, तो आराम से 12 से 18 मिनट के अंदर आपने रेकी हीलिंग साधना खत्म कर ली। ओके, बट द थिंग्स क्या, अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट यहाँ दे दीजिए, 10 मिनट मूलाधार चक्र में दे दीजिए, और 10 मिनट अपने आध्यात्म चक्र पर दे दीजिए। आपको तीनों चीजों साथ में वर्क करेगी और बहुत अच्छे से अपने आप को उस शेप में कन्वर्ट करते जाएंगे। और आपका बड़े से बड़ा जो बेली फैट है, या फिर आप अपनी बॉडी को अनशेप्ड फील करते हैं, वो सारी चीज ऑटोमेटिकली शेप में आती जाएगी। और कंटिन्यूसली वही चीज आपके अंदर होती जाएगी, और जहां तक आप रोकना चाहते हो वहां तक आके फिर बाद में रुक जाएगी, और वही शेप में आप कंटिन्यूसली होते जाएंगे। देखो,
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि रेकी से सब कुछ होगा, पर रेकी से काफी हद तक ये चीज कंट्रोल में आ जाएगी। और उसके बाद आप छोटी मोटी एक्सरसाइज भी करोगे, जैसे पुशअप्स कर दिया, जंपिंग कर लिया, या फिर नॉर्मली हमने कुछ रूटीन एक्सरसाइज फॉलो कर ली, साथ में 10-15-20 मिनट की हेल्दी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, और कुछ खाने पर कंट्रोल कर लिया, तो आराम से ये सारी चीजें फटाक से आना शुरू हो जाएगी। और जल्दी से आप अपने चक्रस को एनर्जाइज करके, एक्टिवेट करके, अपने अंदर के सारी ऊर्जा को जल्दी से बैलेंसिंग कर पाओगे और सारे ब्लॉकेज को, सारे कचरे को फटाफट हेल्प कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। और रेकी ऊर्जा के माध्यम से ये सारी चीजें बहुत जल्दी से और फटाफट आना शुरू हो जाती है। आप जस्ट 15 दिन का ट्रायल लेके देखिए, 1 हफ्ते का लेके देखिए, जस्ट ओनली आपके अंदर लिटरली बहुत चेंज आएंगे। ना ही आपको कोई भारी भरकम एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ना ही अदर चीजों में जाने की जरूरत है, ना ही कोई स्पेशल डाइट फॉलो की जरूरत करने की जरूरत है, नहीं है। बस आप रेकी हीलिंग के अंदर ये सारी चीजें कीजिए। रेकी के अंदर सब कुछ पावर है, सब एनर्जाइज अवेलेबल है, बस आपको करना है थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम निकाल के, ओके? बस इतना कीजिए। अगर आपको रेकी के बारे में कुछ भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कॉल बैक कर सकते हैं, आप मेरे असिस्टेंट के साथ बात कर सकते हैं, या फिर आपको रेकी हीलिंग कोर्स में ज्वाइन होना है, पूरा फुल सर्टिफाइड कोर्स, तो मेरा सभी लेवल का सर्टिफाइड कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में, शार्प तरीके से, प्रैक्टिकल वे में, बहुत परफेक्ट तरीके से सिखाया जाएगा। ये पूरा कोर्स इंटरनेशनली डिजाइन कर चुका हूं मैं, और हजारों लोग 15 सालों के अंदर मेरे नीचे सीख चुके हैं रेकी हीलिंग, और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर चुके हैं। डेफिनेटली ये चीज कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।